स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो इस समय की बड़ी वारदात सामने आई है। बंद घर में मिली कारोबारी की लाश, 5 दिन से लापता था, कपड़े से बंधे मिले पैर, हत्या की आशंका। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक 65 साल के व्यापारी की उसी के घर में लाश मिली है। दोनों पैर कपड़े से बंध हुए मिले हैं। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग पिछले 5 दिनों से लापता था, जिसकी रिपोर्ट भी थाने में दर्ज करवाई गई थी। शनिवार को पुलिस ने घर का ताला तोड़ा, घर के अंदर गए तो देखा बेड में लाश पड़ी हुई थी, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए डिमरापाल मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक शहर के कुम्हारपारा के गेवरचंद खत्री 65 वर्ष मंगलवार से लापता थे। वे घर में अकेले रहते थे। परिजनों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की। जब उनकी कोई खबर नहीं मिली तो शहर में ही रहने वाले उनके छोटे भाई ने सिटी कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस तलाश में जुट गई थी। वहीं पुलिस ने कुछ सबूत इकट्ठा करने के लिए शनिवार को घर का ताला तोड़ा, बेडरूम के अंदर गए तो व्यापारी की लाश पड़ी हुई थी। बताया गया कि गेवरचंद कुछ साल पहले तक व्यापार करते थे। व्यापार बंद करने के बाद उन्होंने पिछले कुछ समय से ब्याज में पैसा देना शुरू कर दिया था। इसके अलावा उनका परिवार कहीं और रहता है। शव देखकर पुलिस ने फौरन फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। गले में भी कपड़ा बंधा हुआ था। जिस स्थिति में शव मिला उसे देखकर पुलिस प्रारंभिक रूप से हत्या की आशंका जता रही है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। घर पर लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। थाना प्रभारी एमन साहू ने बताया कि मामले की जांच के बाद ही पूरी जानकारी दी जाएगी।